हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंसिडरेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कंसिडरेशन ये बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप जाके चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड मीनिंग ऑफ कंसीड्रेशन कंसिड्रेशन होता क्या है ए कंसिड्रेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन कंसीड्रेशन का मतलब होता है कुछ देने के बदले में कुछ लेना तो जो ये समथिंग है इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर रूपीज वन थाउजेंड अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ अपनी घड़ी बेचने का वन थाउजेंड पे, ठीक है ए ने बी को बोला कि मैं अपनी घड़ी तुम्हें वन थाउजेंड में सेल करूंगा बी ने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा अब ए के लिए क्या कंसिडरेशन है ए को बदले में क्या मिल रहा है ए को वन थाउजेंड रुपीज मिल रहे हैं और बी को क्या मिल रहा है बी को वॉच मिल रही है तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई वन थाउजेंड और बी के लिए कंसिडरेशन हो गई वॉच अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन टू सेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू के अंडर वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर डिजायर होता है इच्छा जब प्रोमिजर की इच्छा पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग प्रोमिजर की इच्छा पे प्रोमिसी या किसी और बंदे ने कोई काम करा है डन या फिर ना करने या फिर कोई काम नहीं करा है ठीक है और डज और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर वो काम कर रहा है या फिर वो आगे नहीं करेगा एब का मतलब होता है नहीं करेगा और और टू डू फ्रॉम डूइंग समथिंग या फिर वो प्रोमिस कर रहा है कि वो करेगा या फिर वो प्रोमिस कर रहा है कि वो काम नहीं करेगा सच एक्ट और एब्सटेन्स और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस इस तरह के एक्ट को या एब्सटीन को हम कंसीडरेशन बोलते हैं ओके okay? तो इसमें जो कंसीडरेशन है वो तीनों सेंस में ली गई है पहले वाले में पास्ट टेंस में ली गई है फिर डज और एब्सटेन वाले में जो ये लिखा है उसमें वो प्रेजेंट टेंस में बता रहा है और प्रोमिसज टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग ये फ्यूचर टेंस का बता रखा है ठीक है तो तीनों सेंस में कंसिडरेशन को कंसिडर किया गया है अगर आप कंसिडरेशन का क्वेश्चन आता है और अगर डेफिनेशन लिखते हो सेक्शन टू डी के अंडर तो आपका जो आप मार्क्स जो है वो ज्यादा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में नेक्स्ट आ जाओ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ये ये एलिमेंट्स में आपको एक एक करके समझाऊंगी सो फर्स्ट वन इज कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कंसिड्रेशन जो है वो प्रोमिसर की इच्छा पे ही मूव करनी चाहिए मीन्स प्रोमिसर ही डिसाइड करे कि, कि किस तरीके की कंसिडरेशन उसे चाहिए होगी एक एग्रीमेंट में एनी एक्शन और एब्सटीनेंस फ्रॉम एक्शन मस्ट बी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर इफ़ एनी सच एक्शन और एब्सटीनेंस इज एट द डिज़ायर ऑफ द थर्ड पार्टी अगर कोई ऐसा एक्शन या कंसिडरेशन डिसाइड अगर थर्ड पार्टी करती है और इज डन विदाउट द कंसेंट और डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर और अगर कोई एक्शन कोई काम किया जाता है ठीक है प्रोमिसर के कंसेंट के बिना कंसेंट मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ किया जाता है तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है तो मीन्स कंसिडरेशन को कौन डिसाइड करता है कि किस तरीके की कंसिडरेशन होगी वो सिर्फ प्रोमिसर ही डिसाइड कर सकता है अब इस पे केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का बहुत इंपॉर्टेंट केस है अब ये केस क्या है देखो इन दिस केस ए पार्टी बी स्पेंड सम मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट यहाँ पे जो बी है वो बी है बलदेव का और जो डी है वो डी है दुर्गा प्रसाद का तो इस केस में क्या हुआ कि एक पार्टी थी जो कि बी थी बलदेव थी उसने क्या करा कुछ पैसे खर्च करे और मार्केट कंस्ट्रक्ट करी किसके कहने पे एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के कहने पे, पे बलदेव ने मींस बी ने कुछ पैसे खर्च करे और एक मार्केट कंस्ट्रक्ट कर दी ओके okay? अब उस मार्केट में जो डी था दुर्गा प्रसाद था उस उसने एक शॉप ली उस मार्केट के अंदर और डी ने क्या किया डी ने प्रॉमिस करा बलदेव को डी प्रॉमिस टू पे कमीशन टू बी आर्टिकल सोल्ड बाय हिम इन द मार्केट इन ही ऑक्यूपाइड से प्रॉमिस किया कि वो जितनी भी चीजें अपनी दुकान पे अपनी शॉप पे बेचेगा उसका कुछ परसेंटेज कमीशन वो बी को मीन बलदेव को देगा इन अब क्या हुआ इन बाय बी अब डी ने बी को बलदेव को पैसे नहीं दिए कमीशन नहीं दिया तो क्या किया बी ने बलदेव ने उसने एक सूट फाइल कर दिया कोर्ट में केस कर दिया इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस मेड बाय डी कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि डी की तरफ से डी ने तो प्रॉमिस कर दिया था कि वो उसे कमीशन देगा बलदेव को लेकिन बलदेव की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिली डी को ठीक है तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिली तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था नो कॉन्ट्रैक्ट no और वैसे भी जो बलदेव था उसने मार्केट डी के कहने कहने पे पे नहीं करी करी थी थी उसने उसने मार्केट किसके कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के कहने पे कंस्ट्रक्ट करी, करी, करी थी तो इस केस में फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है ओके okay? नेक्स्ट है कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन कंसिडरेशन जो है प्रमेसी की तरफ से भी मूव हो सकती है या फिर किसी और पर्सन की तरफ से भी मूव हो सकती है इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमिसी इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन दिस इम्प्लाइज दैट एज लॉन्ग एज देर इज कंसिडरेशन फॉर ए प्रोमिस इट इज़ इम मटीरियल हु हैज फर्निस्ड इड इम का होता है कि जरूरी नहीं है जब तक एक प्रोमिस में कंसिड्रेशन है कंसिडरेशन एक प्रॉमिस में होना जरूरी है ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन कौन दे रहा है ठीक है प्रोमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है या फिर कोई और पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसे कौन दे रहा है लेकिन कंसिडरेशन एक प्रॉमिस में होना जरूरी है ओके इस पर केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये चिन्नैया वर्सिस रमैया का तो ये मैं केस आपको समझाती हूँ एक ओल्ड लेडी थी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर रमैया के नाम पे ट्रांसफर कर दी एक कंडीशन पे उसने एक कंडीशन लगाई कि मैं एक कंडीशन पे ट्रांसफर करूँगी अगर तुम हर साल कुछ पैसे अपने अंकल चिन्नैया को दोगे ठीक है उसने रमैया को बोला अपनी डॉटर को कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करूंगी लेकिन तुम्हें हर साल अपने अंकल जिसका नाम चिन्नैया है तुम्हें उन्हें हर साल कुछ पैसे देने पड़ेंगे रमैया ने प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है वो हर साल चिन्नैया को पैसे देगी लेकिन कुछ टाइम बाद तो उसने पैसे दिए लेकिन कुछ सालों बाद उसने स्टॉप कर दिए पैसे देने और उसने कोर्ट में एक प्ली डाल दी क्या बोला कि मैं तो चेन्नईया को पैसे दे रही हूँ लेकिन चेन्नईया की तरफ से तो मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही है ठीक है तो ये पैसे मैं उसे नहीं दूंगी तो कोर्ट किया रिजेक्ट कर दी इट वॉज हेल्ड दैट द इनडायरेक्ट कंसिडरेशन अंकल तो कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि ओल्ड लेडी ने जब वो प्रॉपर्टी उसे दी थी तो एक तरह से वो ओल्ड लेडी उसको वो कंसीडरेशन uh, दे गई थी जो उसके अंकल को उसे पे करनी चाहिए थी ठीक है तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है उसकी अंकल की तरफ से चाहे नहीं आई है लेकिन उस ओल्ड लेडी की तरफ से उसे मिल गई है ठीक है तो कंसिडरेशन होना जरूरी है ये जरूरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन कहाँ से मिलती है ओके okay? नेक्स्ट है कंसिडरेशन अ प्रॉमिस टू डू और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग कंसिडरेशन जो है वो एक प्रॉमिस है कि कुछ काम करने का या फिर कुछ काम ना करने का ठीक है एब होता है ना करने का तो कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है इन अ पॉजिटिव एक्ट द प्रोमिस समथिंग एट द एक्सप्रेस विश ऑफ द प्रोमिसर पॉजिटिव कंसिडरेशन में प्रॉमिस प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये काम करोगे और नेगेटिव एक्ट में नेगेटिव कंसिडरेशन में यह प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे ओके okay? ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा इसकी एक एग्जाम्पल है देखो ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज हाउस फॉर टेन लैक टू बी ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि वो अपना घर उसे दस लाख ,00 में बेचेगा तो इस केस में जो दस लाख ,00 है वो एक पॉजिटिव कंसिडरेशन है ए के लिए ओके ऑन द अदर हैंड अब नेगेटिव कंसिडरेशन का देख लेते हैं एग्जाम्पल अब ए ने क्या किया ए ने

तो बी क्या है उसके पास आया इससे पहले कि वो केस करता बी उसके पास आया और बी ने एक रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हें पैसे एक साल के बाद दूंगा और एक साल के बाद जब मैं दूंगा तो तुम्हें पैसों के साथ साथ मींस लोन अमाउंट टेन लाख के साथ साथ वन लाख रुपीस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दूंगा उस एक साल का बस तुम कोर्ट में केस फाइल मत करो ओके okay, तो ए जो है वो उस चीज के लिए मान गया ठीक है तो ये एक नेगेटिव एक्ट है means, ए ने कंसीडरेशन एक्सेप्ट की वन लैक की फॉर नॉट फाइलिंग द सूट ओके तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्ट की कंसीडरेशन ओके नेक्स्ट है कंसीडरेशन में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन हमारी पास्ट में भी हो सकती है प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेकोगनाइज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन वेयर एज द इंग्लिश लॉ डज नॉट रेकग्नाइज द पास्ट कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को कंसिडर करता है कंसिडरेशन को लेकिन इंग्लिश लॉ पास्ट को कंसिडर नहीं करता यह सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है क्योंकि हमें सिर्फ हमें इंग्लिश लॉ से कोई लेना देना नहीं है हमें इंडियन लॉ का देखना है इंडियन लॉ तीनों को कंसिडर करता है अब पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है

कि वो ए को जो उसने सर्विस करी थी उसके लिए वन थाउजेंड रुपीज देगा तो ये हो गई हमारी पास्ट कंसिडरेशन ठीक है और एक को वो पैसे मिलेंगे ओके नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन जब कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होती है मीन साथ एक्सचेंज -साथ होती है उसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं वेन अ कंसिडरेशन फॉर ए प्रोमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रोमिस देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन जैसे कि एक कैश सेल जब आप कहीं पे मार्केट में जाके कुछ खरीदने जाते हो ओके okay? तो आप क्या करते हो पैसे देते हो और चीज ले लेते हो तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई ठीक है अगली जो बेच रहा होता है ठीक है जो सेलर होता है उसे पैसे मिल जाते हैं और आपको चीज मिल जाती है तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन जब साइमल्टेनियसली कंसिडरेशन जो है वो एक्सचेंज होती है नेक्स्ट इज फ्यूचर कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन होती है जब आप फ्यूचर में प्रोमिस करते हो कि आप ये चीज उसको दोगे और वो अगली पार्टी आगे से प्रोमिस करती है कि हाँ वो उसकी पेमेंट करेगी ए फ्यूचर कंसिडरेशन इज अ प्रोमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रोमिस देन मेड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो 100 क्विंटल राइस बी को अट्ठाईस रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेचेगा ओके एंड बी प्रोमिस और बी ने कहा कि ठीक है मैं उसकी पेमेंट करूंगा जब मुझे वो क्रॉप मिल जाएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक है लेकिन यहां पे जो क्रॉप है वो कमिंग क्रॉप है मीन क्रॉप अभी हुई नहीं है वो फसल अभी हुई नहीं है कमिंग क्रॉप मतलब वो अभी उग रही है वो क्रॉप ठीक है तो ये हो गई हमारी फ्यूचर कंसिडरेशन ठीक है जब वो उगेगी कटेगी फिर उसके बाद वो उसे सेल करेगा और बी जो है उसके बाद एक हफ्ते बाद उसको पेमेंट करेगा ठीक है तो ये हो गई फ्यूचर कंसिडरेशन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन कंसिडरेशन अगर अनरियल है या फिर अनसर्टेन है तो वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे देखो इफ एक्स प्रोमिसज टू गिव एन अमाउंट ऑफ मनी टू वाई एंड वाई प्रोमिसज टू प्रे फॉर एक्स लॉन्ग लाइफ एक्स ने प्रोमिस करा कि वो कुछ पैसे वाई को देगा और वाई बदले में क्या करेगा वाई उसके बदले में उसकी लंबी उम्र के लिए करेगा ठीक है तो ये कंसिडरेशन जो है वो रियल नहीं है क्योंकि वाई को तो पेमेंट मिल रही है वहां पे रियल है लेकिन एक्स को बदले में क्या मिल रहा है वो रियल नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारी रियल होना बहुत जरूरी है अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कंसिडरेशन सर्टेन होना चाहिए सर्टेन का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारी कंडीशन कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जैसे कि इफ ए प्रोमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर वॉट बी वॉन्ट्स टू पे A ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं अपनी कार तुझे बेचूंगा तू तुझ जितना पे करना चाहेगा ठीक है तो ये एक अनसर्टेन कंसीडरेशन है इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितने रुपए में उसे सेल करेगा तो ये इस केस में कंसीडरेशन हमारी अनसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा सारी कंडीशंस जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन लीगल होना लॉफुल होना बहुत जरूरी है अगर कंसिडरेशन इीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जैसे कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें दस हजार रुपए दूंगा अगर तुम सी की पिटाई करोगे ठीक है तो ये क्या है कि इलीगल कंसिडरेशन है क्योंकि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो एक इलीगल कंसिडरेशन होती है अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसका एग्रीमेंट और उसने क्या करा सी की जाके पिटाई कर दी ठीक है अब सी की पिटाई करने के बाद जब वो पेमेंट लेने के लिए आया ए के पास तो ए ने क्या किया मना कर दिया पेमेंट देने से अब बी कोर्ट में नहीं जा सकता है ठीक है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि यह ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट करा था सी की पिटाई करने के लिए और मैंने कर दी और अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट सबसे पहले आप ही को पकड़ लेगा कि आपने इलीगल एग्रीमेंट कैसे किया आप किसी की पिटाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या एग्रीमेंट नहीं कर सकते ओके okay? तो कंसिडरेशन लीगल होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट एडिक्वेट होता है पूरी कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न Consideration का मतलब होता है कुछ बदले में लेना द समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू समथिंग गिवन समे जरूरी नहीं है कि जो हमें मिल रहा है और जो हमें दिया है वो दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है कंसिडरेशन होना जरूरी है लेकिन उन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है द लॉ प्राइड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी चाहिए सो लॉन्ग देयर इज अ अंसिडरेशन द लॉ इज नॉट लॉ को बस उसी से मतलब है लॉ को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो पूरी है कंसिडरेशन या फिर नहीं है ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको जैसे कि ए ने डिसाइड करा कि वो अपनी कार जो कि वन लैख की है वन लैख की कार को वो दस हजार में बेचेगा बी को ठीक है अब एक ही मर्जी है वो जितने में मर्जी बेचे ठीक है कंसीडरेशन होना जरूरी है पर कंसीडरेशन पूरी हो ये जरूरी नहीं है ठीक है अब दस हजार में वो बी को बेचेगा लेकिन ए का जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि ए के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि मींस ऐसा नहीं कि कोई उसे जबरदस्ती 1 लाख की गाड़ी 10000 में बिकवा रहा है मींस वो अपनी मर्जी से अगर अपनी कोई भी महंगी चीज को अगर सस्ते में बेच रहा है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड लॉ को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो कम दाम में बेच रहा है या ज्यादा दाम में बेच रहा है लॉ को बस ये है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए ओके okay? तो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिस इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो वो काम करने के लिए जिससे उसे ऑलरेडी करना है ठीक है जैसे कि ए प्रोमिस टू डू वॉट वन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू इधर बाय जनरल लॉ मतलब उसका जनरल लॉ कहता है कि वो काम उसे करना ही था आप उसके लिए उसे पैसे दे रहे हो जो काम उसे ऑलरेडी करना था एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर तो वो एक अच्छी कंसिडरेशन नहीं होती है जैसे कि ए ने प्रमिस किया आ, ए ने प्रॉमिस किया एक पुलिस ऑफिसर को टू पे मनी टू तो अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन टू द क्राइम मीन उसने कहा ए ने कहा पुलिस ऑफिसर को कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप ये क्राइम को इन्वेस्टिगेट करोगे अब पुलिस ऑफिसर की तो ड्यूटी बनती है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना उसने इसीलिए तो जॉब ज्वाइन करी है ठीक है तो द एग्रीमेंट अग्रीमेंट वॉज इनवैलिड ये एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज द ऑफिसर इज ऑलरेडी अंडर द ड्यूटी टू डू सो बाय लॉ तो ये एक गुड कंसिडरेशन नहीं होगी ये जो एग्जाम्पल है ये कॉलिन इन वर्सेज गॉड केस के ऊपर बेस्ड है ओके okay? तो ये था आज का टॉपिक आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा क्लियर हो गया होगा इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आप चाहते हैं कोई भी कॉमर्स का टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट कॉमर्स का जिसमें आपको डाउट है और आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं उस पर वीडियो जल्दी ही बना दूंगी और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू